असम में बाढ़ का प्रकोप लगातार जारी है। ब्रह्मपुत्रा नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। भारी बारिश और बाढ़ के चलते भूस्खलन की कई घटनाएं सामने आई हैं। 11 जुलाई को असम के गुवाहाटी में भूस्खलन से 4 लोगों के जान जाने की खबर आई है। असम में बाढ़ की बढ़ती स्थिति गंभीर प्राकृतिक आपदा का रूप ले रही है, जिससे लगभग अब तक 13 लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं। राज्य में बाढ़ और भूस्खलन के चलते अब तक 70 लोगों की जान जा चुकी है। बाढ़ से असम के 33 जिलों में से 24 जिले में करीब 13 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। जोराबाट में भूस्खलन की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग 37 को यातायात पुलिस द्वारा बंद कर दिया गया है। असम के डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, कामरूप, मोरीगांव, नौगांव, लखीमपुर, नलबाटी समेत 24 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार असम में लगभग 2015 गांव जलमग्न है। लगभग 84,000 हेक्टेयर की खेती का नुकसान हुआ है। डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, गोलपारा समेत कई जिलों में ब्रह्मपुत्रा नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। असम के 16 जिलों में 224 राहत शिविर और वितरण केंद्र चलाए जा रहे हैं।